हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। इससे पहले जो वीडियो मेरी थी उसमें मैंने अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन के कुछ रूल्स बताए थे। वो रूल्स बताने के बाद हम लोग आज उसके कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे। आज कुछ क्वेश्चन जानेंगे कैसे उस क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, कैसे उनको निकालते हैं, फाइंड करते हैं। बच्चों, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो सबसे पहले उसके रूल बच्चों पढ़ लीजिए। उसकी वीडियो, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, तो प्लीज़ पहले उसको देख लें, उसके रूल्स को समझ लें और फॉर्मूलों को नोट कर लें, तो फिर ये समझ में अच्छे से आएगा बच्चों। तो प्लीज़ उस वीडियो को जरूर देख लें, फिर इसको देखिए। तो क्वेश्चन है 4, 8, 12, 16 विच टर्म इज 500, मतलब 4, 8, 12, 16 का कौन सा पद 500 है। बच्चों ये बच्चों इंग्लिश में लिखा है, वही चीज़ बच्चों हिंदी में हमने रिपीट करके लिखी है। बच्चों दोनों मीडियम्स को समझ में आ जाए, बच्चों इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम। तो कौन सा पद 500 है, तो हमने बताया था पहले सीरीज जो हम लोग को दे रखी है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है बच्चों। यहाँ पे तो यहाँ पर ए, ए मतलब बच्चों फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या बच्चों यहाँ पे 4, मतलब पहला पद क्या बच्चों यहाँ पे 4। फिर डी, डी मतलब बच्चों क्या होता है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है सर्वांतर, सर्वांतर बच्चों मतलब कॉमन डिफरेंस कितना बच्चों 8 में चला जाएगा बच्चों 4। अब कौन सा पद विस्टम, कौन सा पद जो है बच्चों क्या है 500 है, तो बच्चों यहां पे लेट मतलब माना, एनथ टर्म इज 500 मीन्स ए एन इक्वल टू बच्चों 500। इसी को हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, माना एनवा पद जो है 500 है, तो ए एन रहा बच्चों 500। अब हमने पहले क्या बताया था कि ए एन का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल टू बच्चों ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन बच्चों कितना यहां पर है 500, ए कितना बच्चों यहां पे 4, एन बच्चों यहां पे हम लोग को निकालना है और माइनस का डी, 4 को बच्चों उस साइड भेज दीजिए और माइनस कर दीजिए, 500 4 हो जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा माइनस का, और ये एन माइनस 1, सॉरी बच्चों यहां पे डी की जगह भी हमें 4 दे रखा है, तो डी की जगह भी बच्चों यहां पे 4 रखेंगे, सॉरी। तो एन माइनस 4 1 एन माइनस 1 इंटू 4, 500 4 माइनस बच्चों कितना बचेगा 496। ओके बच्चों, ये n माइनस 1 इंटू 4, 4 को नीचे भेज दें बच्चों, 496 अपॉन में बच्चों 4 इज इक्वल टू n माइनस 1, 4 से बच्चों से कट के दिए, 4 वन जा 4, 4 टू जा 8, मतलब 4 एकम 4, 4 दुनिया 8 और 1 बचेगा तो 4 चौको 16 n माइनस 1, 1 इधर भेज दीजिए बच्चों 124, 1 इधर क्या जाएगा बच्चों यहाँ पे प्लस 1 इज इक्वल टू n, तो मींस n इज इक्वल टू बच्चों कितना आ जाएगा 125, ये बच्चों n इज इक्वल टू आ गया। तो मतलब कितने पद है, कौन सा पद बच्चों, तो 25 टर्म्स, मतलब 125 टर्म्स क्या होगा बच्चों वहां पे 500 होगा, वहां पे जो हम लोग का 125 टर्म्स होगा वो हमारा क्या होगा बच्चों 500 होगा बच्चों, आए हमें, तो प्लीज इसको नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ ए प्लस 1 3a 4a प्लस 2 आर इन ए पी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a, तो लिखा है यदि a प्लस 1 3a 4a प्लस 2 समांतर श्रेणी में है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों ये भी एक क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी में दे रखा है मीन्स AP में दे रखा है, तो हमें a का मान ज्ञात करना है, मतलब a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करते हैं क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। तो पहले तीनों टर्म्स को यहाँ पे लिख देंगे, a प्लस 1 यहाँ पे 3a, फिर यहाँ पे 4a प्लस 2। बच्चों ये AP में, तो AP के हमने क्या नियम बताया था बच्चों, AP का नियम था कि कॉमन डिफरेंस जो होता है, मतलब जो सर्वांतर होता है वो सभी जगह क्या होता है बच्चों समान रहता है, D हमेशा क्या रहेगा बच्चों समान रहेगा, D मतलब सेकेंड पद से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे और थर्ड पद से सेकेंड टर्म, दोनों क्या होंगे बच्चों इक्वल होंगे। तो क्या लिखेंगे बच्चों, ध्यान देना बच्चों, तो 3a माइनस ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे बच्चों a प्लस 1 इक्वल टू बच्चों 4a प्लस 2 से माइनस करेंगे, यहां भी ब्रैकेट लगा सकते हैं, माइनस करेंगे बच्चों कितना 3a। ओके बच्चों, तो ध्यान देना यहां पे 3a की जगह 3a, ब्रैकेट खोल दो बच्चों, माइनस का a और माइनस प्लस माइनस का 1,
यहाँ पर बच्चे सिंपल सा ब्रैकेट खुलेगा, 4a+2 और माइनस का 3a। ध्यान देना बच्चों, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, ये दोनों ही माइनस की हो जाएंगे, तो 3a से एक घटेगा तो बच्चों कितना बचेगा यहाँ पे 2a और ये माइनस का 1। 4a प्लस का 3a माइनस, बच्चों कितना बचेगा यहाँ पे a प्लस 2। बच्चों 2a के यहाँ लिखिए और a इस साइड ले आएंगे तो किसका हो जाएगा बच्चों, बच्चों यहाँ पे माइनस का a और ये 2 इधर लिया बच्चों, ये प्लस का 1। 2a से a जाएगा बच्चों कितना बचेगा यहाँ पे a, 2 और 1 बच्चों कितना हो जाएगा यहाँ पे 3। तो a की वैल्यू बच्चों कितनी हो गई यहाँ पे 3 हो गई बच्चों। अगर ये a p में है तो बच्चों इसकी वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 3। अगर आपको नेक्स्ट टर्म्स भी पूछते हैं, अगर अगले पद भी पूछते हैं तो आप a की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो अगले पद भी यहाँ पे निकाल सकते हैं, क्योंकि जो सीरीज होती है ap होती है वो a+d, a+2d, a+3d, a+4d इस रूप में होती है, तो हम लोग आगे की वैल्यू भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं, कोई भी टर्म हम लोग फाइंड करना हो तो आसानी से फाइंड करते हैं। तो इसको भी नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चंस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ सीरीज 3+10.2, 6+15.2, 25 टर्म्स। मतलब क्या हो, सीढ़ी का योगफल याद कीजिए, सीढ़ी क्या है बच्चों 3+9.2+6+5.2 = 25। मतलब 25 टर्म्स का हमें यहाँ पे क्या याद करना है बच्चों, सम याद करना है। अब हम लोग सम का फॉर्मूला, मतलब योगफल का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो सीरीज यहाँ लिखेंगे बच्चों यहाँ पे 3+9/2+6+10 कितने टर्म बच्चों 25। तो बच्चों यहाँ पे a क्या होगा बच्चों, यहाँ पे 3। d का मतलब होगा 9/2 माइनस का 3, नीचे 1 मान लेंगे, एलसीएम लीजिए, सॉल्व कर लीजिए बच्चों यहाँ पे कितना एलसीएम आएगा 2, तो 9 और 3 2 जा 6, 1 2 जा 2, 3 2 जा 6, मतलब कितना जाएगा 9 में 6 गया बच्चों 3/2, जो d है बच्चों कितना होगा 3/2 होगा। तो बच्चों SN निकालने का फॉर्मूला बच्चों पहले वीडियो में देख लीजिए प्लीज, उसका फॉर्मूला है n/2 2a+n-1 d। ओके बच्चों वैल्यू पुट कीजिए बच्चों, बच्चों n कितना है यहाँ पे 25, तो मतलब n लिख दीजिए बच्चों यहाँ पे, n बराबर कितना है बच्चों यहाँ पे 25, मतलब 25 टर्म निकालना है, तो 25/2 2a, a की जगह बच्चों कितना है 3, n की जगह बच्चों 25 माइनस का 1 और d की जगह 3/2, 25/2 2 3 = 6 प्लस 25 में बन जाएगा बच्चों कितना बचेगा 24 और ये बच्चों कितना है 3/2। अब कट कर दीजिए बच्चों 2 से, 2 1 = 2, 2 2 = 4, अब इंटू कर दीजिए बच्चों, ध्यान दीजिए 25/2 6+12 3 = 36। ओके बच्चों अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए बच्चों, ऐड करने मतलब यहाँ पे जोड़ दीजिए दोनों को, 6 6 = 6 6 = 12 और 3 1 = 4 42। कट कर दीजिए बच्चों 2 2 = 4 2 1 = 2, तो क्या करेंगे बच्चों यहाँ पे बराबर में क्या लिखेंगे 25 × 21 इंटू कर दीजिए 25 × 25 = 25 हाथ से लगे 2 25 × 50 और 50 × 2 = 52 525 कितना योग होगा बच्चों 525 525 इसका योग होगा। तो इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन है जिसे आप लोग लगा सकते हैं। अगर आपको कोई भी एपी में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि रेलवे का भी पेपर भी लगा है ALP का, तो प्लीज़ उसमें भी एपी आ रही है, तो आप कोई भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ पूछ लीजिए। और ये यूपी बोर्ड के लिए तो इंपॉर्टेंट है ये बच्चों, तो आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा, दिक्कत हो रही बुक से, तो आप बुक बता दीजिए, हम बुक से देख के आपको बता देंगे। आप अगर सवाल आप नहीं नोट कर पा रहे हैं तो बुक बता दीजिए, इस बुक का नाम बता दीजिए, तो उस बुक से मैं आपको देख के बता दूंगा क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को मैं आप बताने की कोशिश करूंगा। तो प्लीज़ अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच।